हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छी होंगी। और यहाँ सुबह का टाइम है तो अभी मैं किचन में बस ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट में आज मैं बनाने वाली हूँ साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, मीन्स बना रही हूँ, नॉट बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर में सांभर बना रही हूँ और ऑलरेडी मैंने मसाला डोसा के लिए मसाला तैयार कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे बस सांभर में एक साइड रख दूँगी और दूसरी साइड मैं डोसा की तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ पे बस मसाले वगैरह मैंने सब कुछ भून लिया है, सब्जी वगैरह सब कुछ। अभी मैं उसमें दाल डालती हूँ और उसके बाद फिर मैं पानी डाल के और लिड बंद कर दूँगी। उसके बाद प्रेशर आने तक इसमें सांभर को पका लेंगे, क्योंकि मैं पहले ही दाल बॉयल कर ली थी। तो अभी बस सब्जियां ही पकानी थी, सब्जी को फ्राई करके। और यहाँ पे ये मेरा बैटर है, तो देखिए कितना अच्छे से ये फूल गया है। मैं इसे और रात में ही इसका बैटर तैयार करके रख दी थी और अभी थोड़ा समर सीज़न है ना, तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे फ्लफी हो गया है। तो अभी चलते हैं डोसा बनाने की प्रोसेस में, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं ये साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था बनाए हुए, तो मैंने सोचा चलो घर जाने से पहले एक बार डोसा मसाला डोसा बना लेते हैं। और मेरे घर में सबको पसंद है, स्पेशली बच्चों को भी पसंद है और हमें भी पसंद है। और काफ़ी टाइम के बाद जब बनाओ तो और ही अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पे पतिदेव के लिए मैंने प्लेट लगा दिया हुआ है, चटनी सांभर और डोसा। तो बहुत ही अच्छा बना था डोसा, बहुत टेस्टी बना हुआ था। गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके आ गई हूँ, तो सभी ने खा लिया है, बस मैं अभी खाने जा रही हूँ। और उसके बाद आज का संडे का जो भी काम रहेगा वो सब हम लोग कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीक में हम लोग को घर निकलना है। तो इधर थोड़ा सा शेड्यूल बिजी चल रहा है, मतलब कभी मार्केट जाना, कभी ये, कभी वो काम इस वजह से। और बीच में चांस का तबीयत भी ख़राब हो गया था। तो चलिए मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और फिर आप लोगों से बातें। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद बस मैं आ गई हूँ किचन की क्लीनिंग में लग गई हूँ। तो सारे बर्तन मैंने सिंक में निकाल दी हूँ और बस यहाँ पे गैस स्टोव की मैं क्लीनिंग कर ले रही हूँ। तो थोड़ा सा ऑयल वगैरह का जल जाता है, तो मैं ये नया स्क्रब निकाली हूँ और उसी से बस मैं गैस स्टोव को मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं बस बर्तन धुलने के लिए आ गई हूँ, तो आज आंटी नहीं आती हैं, इस वजह से बर्तन मैं धुल रही हूँ। तो सारे बर्तन को मैं पहले से ही भिगो दी थी, फुला दी थी। कुछ बर्तन मेरे पहले के भी हैं और कुछ मॉर्निंग वाले भी हैं, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा हो गया है।
मेरे बर्तन धुल गए हैं और सारे बर्तन मैं धुल के उधर स्लैब पे रख ली हूँ टॉप काउंटर पे, और यहाँ पे मैं सिंक अच्छे से वॉश कर दी हूँ और बर्तन भी मेरे सारे धुल गए हैं। ऑलमोस्ट ये थोड़े मोरे बर्तन हैं जिसे बस मैं धुल के रखी हूँ, तो अभी इसे फाइनल वॉश करके और मैं हटा ले रही हूँ। और घर के काम के साथ साथ स्किन केयर भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तो बस मैं यहाँ पे थोड़ा मोड़ा अपना समर स्किन केयर कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे टोमेटो से मैं फेस मसाज कर ले रही हूँ, तो टोमेटो हमारे फेस के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बहुत सारे ऐसे इसमें मिनरल्स होते हैं जो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जिससे पिंपल्स नहीं होता है। टीनेजर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है और स्पेशली टैन के लिए, स्पेशली मैं ये टैन के लिए यूज़ कर रही हूँ, सन टैन के लिए, जिससे मेरा स्किन काफ़ी टैन हो गया है। तो यहाँ पे देखिए एक ही यूज़ में थोड़ा सा मुझे इफ़ेक्ट दिखा है। और इस सीज़न का पहला मैंगो जो कि आज हम लोग खाने जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ कट करने के लिए। आज फीवर आ गया है, अब दो दिन पहले श्रेयांश को आया था और आसू को, तो अभी मेडिसिन हम लोगों ने दिया था, तो अभी फीवर इसका उतर गया है, नहीं तो 100.3 फीवर था। अभी जस्ट मैं चेक की हूँ तो 98.3 है, तो अभी इसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है। सो अभी थोड़ी देर में हम लोग लंच करेंगे, आज बहुत लेट हो गया क्योंकि डोसा खा लिए थे तो हेवी था, तो लंच आज लेट हो गया, अभी 4:30 होने जा रहा है और अभी हम लोगों ने लंच नहीं किया है, तो बस अभी हम लोग थोड़ी देर में लंच करेंगे। आप लोगों को भी दो ना बेटा, आराम करना, तो मैं ले रही हूँ, पतिदेव को मैंने दे दिया है। तो यहाँ पे बहुत सारी मलाई कलेक्ट हो गए थे जो कि मैं इकट्ठा करके रखी थी फ्रिज में, तो दो बाउल में हो गया है, तो मैं आज इसका घी बना लेती हूँ, नहीं तो इस बिजी शेड्यूल में अगर ये छूट गया ना तो बहुत ही ख़राब हो, मतलब पूरा ख़राब हो जाएगा। और मैं एक ही काम देख के ख़त्म कर रही हूँ ताकि घर जाने के टाइम तक एक भी मेरा काम छूटे ना, कुछ भी वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे बस मैं घी निकाल के रख ले रही हूँ, और ऐसे भी घी ख़त्म हो गया तो थोड़ा याद था कि नहीं घी निकाल ही लेना है। तो यहाँ मेरा अच्छा खासा बटर निकल गया है और मैं स्लैब को क्लीन कर दी हूँ, और यहाँ पे गैस स्टोव पे घी बनने के लिए बस मैं रख दे रही हूँ, तो ये धीरे धीरे लो फ्लेम पे इसमें घी बनता रहेगा, और तब तक मैं बाकी काम अपने निपटा लूँगी या फिर मुझे जो डिनर की तैयारी करनी है मैं वो सब कर लूँगी। सो फ्रेंड्स,
ये अभी मेरा लास्ट काम था घी निकालने के लिए। मैं कल से सोच रही थी करने के लिए, लेकिन आज मैं फाइनली घी निकाल के रख दी घी बनने के लिए। और उसके बाद अभी बस बच्चों के सामने जाऊंगी, वो लोग कलर कर रहे हैं तो उन लोग के पास मैं रखूंगी, उसके बाद डिनर वगैरह तैयारी हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस ब्लॉग को ही पेंड करती हूँ और मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।